छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना विकास खंड के जनपद कार्यालय के सामने भी छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। अपनी मांगों को लेकर मीडिया 24 न्यूज से बातचीत में मनरेगा कर्मचारियों ने बताया कि चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने नियमित करने की बात की थी, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। ऐसे में वह लोग हड़ताल पर बैठे महासमुंद जिले के बसना विकास खंड में, और आज हमारे साथ जो है रोजगार सहायक जो है धरना प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन करने के बावजूद आइए जानते हैं क्या कुछ इनकी समस्या है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। सुनते हैं उनकी राय और सुनते हैं इनकी जुबानी। जी, आप लोग जो है लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, क्या कुछ समस्या है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यहाँ पे बसना ब्लॉक के सभी मनरेगा कर्मचारी हैं और सभी जो रोजगार सहायक साथी हैं, इनके द्वारा हम प्रांतीय जो संगठन है इनके आह्वान पर हम अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर नियमित रूप से हड़ताल पे हैं। और आज हड़ताल का तीसरा दिन है। इसमें हमारी सिर्फ दो ही मांगे हैं कि समस्त जितने भी नरेगा कर्मी हैं उनको नियमितीकरण किया जाए, और जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक जो हमारे रोजगार सहायक साथी हैं उनका ग्रेड पे निर्धारण हो, और पंचायत कर्मी नियम 1966 है तो उसको सभी के लिए अभी फॉलो किया जाए। अगर आपकी मांग शासन पूरी नहीं करती है तो आगे क्या कुछ रणनीति अपनाने वाले हैं? जी, जब तक शासन हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम लगातार धरना पे बैठे रहेंगे, और जैसे ही प्रांतीय टीम आह्वान के उनके आह्वान पर हम जिला में और राज्य स्तर पे इसके लिए हम हड़ताल करेंगे। आपको क्या लगता है कि शासन जो है आप लोगों की मांग किस हद तक पूरी करेगा? जी, हमें उम्मीद है कि शासन हमारी मांग को पूरी करेगी, और उनको करना भी चाहिए क्योंकि हम लगातार विगत 10-12 वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और शासन को हम हर स्तर पे अच्छे से अच्छे अवार्ड यहाँ पे हमने दिलवाए हैं। मनरेगा से उन्हें हर वर्ष राज्य स्तर पे और नेशनल लेवल पे उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, तो हमें लगता है कि उन्हें हमारी मांग को जल्द से जल्द पूर्ण कर देने चाहिए। हम इसके जैसे ही हमारे शासन हमारी मांग को अगर पूर्ण करती है तो हम और भी अच्छे लगन से काम करेंगे, और जितना भी उनके द्वारा लक्ष्य और जो भी काम दिया जाएगा उसको अच्छे से जिम्मेदारी से पूर्ण करेंगे। मीडिया 24 न्यूज के माध्यम से आप शासन को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, इस न्यूज़ के माध्यम से हम एक ही संदेश सरकार को देते हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द सरकार पूर्ण करे। मीडिया 24 न्यूज के माध्यम से आप शासन को क्या कुछ संदेश करना चाहेंगे? इस न्यूज के माध्यम से मैं सरकार से यही सरकार को यही संदेश देना चाहता हूं कि वह हमारी मांग को जल्द से जल्द पूर्ण करें। हम यहां विगत 10-12 वर्ष से लगातार अच्छे कार्य कर रहे हैं, और सभी जो रोजगार सहायक साथी हैं जो भी शासन से निर्देश दिया जाता है वो पूर्ण कर रहे हैं, और हर क्षेत्र में जो रोजगार सहायक साथी हैं पंचायत हमारे जो ऑफिस के कर्मचारी हैं सभी सहयोग कर रहे हैं, जैसे आवास योजना में सहयोग करते हैं। इसके बाद जो शासन की योजना महत्वपूर्ण चल रही है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इसमें सभी साथी काम कर रहे हैं, और इसके बाद सभी योजनाओं में जैसे नरवा का जो काम है इसमें बहुत सारे काम चल रहे हैं, इसमें भी हमारे साथी हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो शासन से भी हमें यही अपेक्षा है कि वो भी हमारे मांगों को पूर्ण करें और हमें जल्द से जल्द नियमित करें। चैनल आपके साथ है, आप हमारे चैनल का किस तरीके से धन्यवाद करेंगे? जी, मैं चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मीडिया 24 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ आया है और हमारी मांग को शासन तक पहुँचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और समस्त जितने भी हमारे जनपद पंचायत बसना के जितने भी मनरेगा कर्मचारी हैं वो सभी इस न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभारी रहे। ये थे हमारे साथ मनरेगा कर्मचारी बसना, जहाँ पे इन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन किया है और आज तक शासन इनकी मांगों को पूरी नहीं कर रही है। शासन इन्हें छलते हुए आ रही है, इनकी छलना कहाँ तक, शासन की छलना कहाँ तक बढ़ चुकी है, ये जो है अपनी मांगों को पूरी करने के लिए लगातार डटे हुए हैं। Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध, जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज Horizon Hospital।